फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं। हाल ही में उनकी फिल्म लक्ष्मी रिलीज हुई थी, जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वहीं अब लीजिए, खिलाड़ी कुमार अपनी बेटर हाफ ट्विंकल की वजह से दुख मना रहे हैं। अब अक्षय किस बात का दुख मना रहे हैं, चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म टेनेट से डिंपल कपाड़िया ने हॉलीवुड में अपनी पारी की शुरुआत की है। टेनेट में डिंपल के किरदार और नोलन के साथ उनके एसोसिएशन को उनका परिवार सेलिब्रेट कर रहा है। इसी बीच ट्विंकल खन्ना ने क्रिस्टोफर नोलन का इंटरव्यू लिया, जिसे अक्षय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस इंटरव्यू में ट्विंकल ने क्रिस्टोफर की फिल्मों और टेनेट से डिंपल के जुड़ने को लेकर बातचीत की। अक्षय ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पहले मेरी सास ने क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम किया और अब मेरी बीवी ने इंटरव्यू किया है। इस परिवार में मैं ही बचा हूँ जो इस विजुअल जीनियस से नहीं मिला। आप ये इंटरव्यू देखिए, तब तक मैं दुख मनाता हूँ। तो अब आपको भी पता चल गया होगा कि क्यों अक्षय कुमार ट्विंकल से दुखी हो रहे हैं। बात करें फिल्म टेनेट की, तो ये फिल्म भारत में 4 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को अच्छी शुरुआत मिली है। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में लगभग 5 करोड़ का कलेक्शन किया था। 1100 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 1 से 2 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि फिलहाल की सिचुएशन में ठीक ठाक है। बता दें 15 अक्टूबर से सिनेमा घर खोल दिए गए हैं, मगर 50% दर्शकों के साथ ही इनको खोला गया है, जिसका मतलब ये है कि सिनेमा घरों में सीटों की संख्या आधी कर दी गई है। टेनेट के कलेक्शन से फिल्म उद्योग को पॉजिटिविटी मिली है। वैसे अक्षय और ट्विंकल से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।